नमस्कार। जिंदगी में जो लोग जीतते हैं वो कोई अलग चीजें नहीं करते, बल्कि वो उन्हीं चीजों को अलग ढंग से करते हैं। इसीलिए आपको भी अपनी जिंदगी कुछ अलग ढंग से प्लान करनी होगी। परिस्थितियां वही होती हैं कमोबेश हर एक की जिंदगी में। आप उन परिस्थितियों को कितने अलग तरह से जीते हैं, कितनी अलग तरह से लेते हैं, इससे आपकी सफलता तय होती है। तो आपको आज के दिन क्या, कब और कैसे करना है और क्या नहीं करना है, ये बताने के लिए हाजिर हैं हम आपके तारे लेकर ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। 10 जुलाई सोमवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन, और कोशिश हमारी ये कि इस पहले दिन को एक शानदार दिन में बदल दें, क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी तो सप्ताह आखिर तक अच्छी अच्छी खबरें आपको देता रहेगा। तो आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। मेष और वृषभ, सबसे पहले आपके लिए आपका राशिफल और फिर आज के दिन की प्लानिंग क्या करें और क्या ना करें के साथ। मेष राशि वालों की कामकाज के प्रति लगन बढ़ेगी तो आपकी मेहनत खुद ब खुद उभर कर आ जाएगी। आपके बेहतर होते हुए प्रदर्शन का भी यही राज है कि आप बहुत कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में, अपने कामकाज में थोड़ा सा और नियमित हो जाने की जरूरत है। जिंदगी की जो भी चुनौतियां हैं उन्हें एक एक करके संभालना तो पड़ेगा ही, तभी जाकर आगे का रास्ता खुल पाएगा। क्या ना करें समय में, छोटी छोटी बातों का असर निजी जीवन की खुशियों पर बिल्कुल ना आने दें। बदलते हुए समय में अपने निजी जीवन का आंकलन करने में कोई गलती कर जाना इस समय ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां मनाना बहुत अहम है, और कहीं ना कहीं मन का भटकाव है जो इसे समझ नहीं पा रहा। दूर स्थान के विचार भी बनते चले जा रहे हैं मन में, और यही शायद परेशानी का एक कारण हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में, हालात कुल मिलाकर आपकी मदद करना चाह रहे हैं, लोगों की जरूरतों को भी समझ लें ताकि उनकी भी मदद की जा सके। क्या ना करें इस समय में, कोई ऐसी बात ना कहें जिसका असर आपके किसी प्यार के रिश्ते पर आ जाए। खासकर अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में कोई गलती ना करें जिसका कोई और मतलब निकाला जा सके। खुद को एक्सप्रेस करने में कोई गलती ना करें, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन सही नहीं होंगे, खुद को सही ढंग से रख नहीं पाएंगे तो हो सकता है लोग आपको गलत समझ लें। इसलिए संभल कर अपने आप को दूसरों के सामने रखिए। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु, सवाल पवन कुमार का है हमारे सामने। तो पवन तैयार हो जाइए, आपका सवाल हम लेने जा रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ 3/9/1987, चंडीगढ़ में जन्म हुआ है। कभी भी नौकरी को एक नियमित तरीके से नहीं कर पाते, रेगुलरिटी नहीं रहती है। अब चाहते ये हैं, ऊब गए हैं नौकरी से, बिजनेस करना चाहते हैं। तो क्या बिजनेस का जो ये ख्याल इनके मन में आ रहा है ये सही है? पवन, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतरदशा चल रही है राहु की जुलाई 2018 तक। आपने कहा कि किसी एक जॉब में आप बहुत दिन तक टिक नहीं पाते, इसलिए मन में एक ऐसा विचार बनता चला जा रहा है कि क्या कोई बिजनेस ही कर लिया जाए। देखिए, इस समय बिजनेस की सलाह तो नहीं दूंगा, आपको करनी तो जॉब ही है। और अच्छी बात यह है कि जुलाई से सितंबर 2017 के बीच में एक नई और एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, जिसे आप ले लें और उसी के चलते फिर अपना एक अच्छा सा कैरियर बना लें आगे चलकर। देखिए, जुलाई से सितंबर 2017 के बीच यानी वक्त आ चुका है, आपको एक नई नौकरी मिल रही है, और वो नौकरी हो सकता है जो नौकरी को लेकर आपका मोहभंग हो रहा है वो दूर हो जाए, आपका मन लगने लगे, क्योंकि आपको नौकरी ही करनी है, अभी बिजनेस नहीं करना है। और वैसे भी अगर जिंदगी में कोई काम होना उसे छोड़ दें, हम स्केपिस्ट होना सही नहीं है, फेस करना सही है। फेस कीजिए, अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। मिथुन और कर्क, अब आपके लिए देखते हैं कैसा समय आ रहा है। समय देखिए अच्छा ही होगा, क्योंकि उस समय को आप जिएंगे अपने तरीके से, समय को समझने के बाद। तो आपके राशिफल के बाद हम आपको समझाएंगे कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों को अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखना होगा ताकि आपकी कोशिशों को एक सही दिशा मिल सके, तभी जाकर आपका मन भी संभला रहेगा। क्या करना चाहिए समय में, अपने पैसे को कहीं फंसाने से और तकदीर को आजमाने से तो बचना ही पड़ेगा। वैसे भी अपने मन में भरोसा बनाएंगे तभी आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। क्या ना करें समय में, ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोगों की मदद से आपको बहुत सारा पैसा आ रहा है, और ऐसा सोचते हुए कोई गलती भी ना कर जाएं जिसके चलते आपका ही नुकसान हो जाए। कर्क राशि वालों को किसी नए काम में पैसा फंसाने से तो बचना ही होगा। वैसे भी लोगों की बात को भली भांति समझना होगा, जिसमें आपकी सूझबूझ भी जुड़ी रहनी चाहिए। क्या करना चाहिए समय में, किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है और आपका भी मन भटक रहा है कि क्या वो रास्ता सही है। क्या ना करें समय में, लोगों को समझने में इस समय कोई गलती ना करें। रिश्तों को लेकर भी कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि सब कुछ ठीक है।
तो रिश्तों को लेकर कोई ऐसी उम्मीद कि सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, ये गड़बड़ी है। आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होता है रिश्तों में, समझना होता है उनको कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। आगे सिंह और कन्या राशि, दिक्कतें आएंगी नहीं आपके जीवन में, क्योंकि हम कर रहे हैं आपकी प्लानिंग। तो आइए आपके राशिफल के बाद आपको बताते हैं कि कैसे जिए आप आज का दिन। सिंह राशि वालों का पैसा कमाने की ओर रुझान रहेगा तो पैसा आ भी जाएगा, पर जरा सी गलती से पैसा चला भी जाएगा। जल्दबाजी में किए गए फैसले गलती करवा देंगे। क्या करना चाहिए समय में, बहुत दूर का सोचेंगे तो अपनों को परेशान कर देंगे और इस वजह से रिश्तों के उतार चढ़ाव को संभालने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें समय में, रोजमर्रा के हालात को बेकाबू ना होने दें। किसी छोटी बात को समझने में भी अपनी ओर से कोई गलती ना करें। कन्या राशि वाले कोई बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं लेकिन मन गवाही नहीं दे रहा। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना जूझना पड़ेगा, अपनी सीमाओं को भी साथ ही साथ समझना तो पड़ेगा ही। क्या करना चाहिए समय में, हो सकता है कोई पीठ पीछे आपकी आलोचना कर रहा हो, इस वजह से भी रुकावटें पैदा हो सकती हैं जिसे अपनी मेहनत से ही संभालना पड़ेगा आपको। क्या ना करें समय में, अपने काम से बनते हुए लाभ को किसी भी तरह के खतरे में न डालें। पैसे से जुड़े लेन देन में भी इस वजह से कोई कमी ना आने दें। पैसे से जुड़े लेन देन में इस वक्त कोई कमी अपनी तरफ से आपको नहीं छोड़नी है, हमें भी कोई कमी नहीं छोड़नी है। आपका सवाल लेना है और सवाल हमारे सामने आ रहा है अमित कुमार उपाध्याय आपका। डेट ऑफ बर्थ 20/10/1982, 6:50 सुबह इनका जन्म हुआ है गाजीपुर उत्तर प्रदेश। फिनेंशियल कंडीशन के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति, म्यूचुअल फंड्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्होंने एक प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया हुआ था लेकिन आगे पेमेंट कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मार्केट में जॉब उपलब्ध नहीं है ऐसा इनको लगता है। तो प्रॉपर्टी जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इसको जारी रखें और छोड़ दें, उस प्रॉपर्टी को सरेंडर कर दें। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति और आर्थिक प्लानिंग पर आपसे बात करना चाहते हैं। अमित, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतरदशा चल रही है बुध की 1 अप्रैल 2018 तक। प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया था और कैरियर की इंस्टेबिलिटी के चलते मन में ये विचार आ रहा है कि क्या उस प्रॉपर्टी से विड्रॉ कर लिया जाए, हट जाया जाए उससे। देखिए, ये फैसला आपका होगा कि प्रॉपर्टी में बने रहना है या उससे हट जाना है। पर जहां तक कैरियर का सवाल है, कैरियर आपका स्टेबल रहेगा, ये एक बड़ा आशीर्वाद है आपके साथ जुड़ा हुआ, इसलिए उस दिशा में तो आप अपनी घबराहट को बिल्कुल ना बढ़ाएं। दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या आप म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं जी, उसमें कोई परेशानी नहीं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रखनी है या बेच देनी है ये आपका निजी फैसला है, क्योंकि आपकी जॉब में कोई ऐसा खतरा दिखाई नहीं दे रहा है, जॉब आपकी ठीक ठाक चल रही है। आप देखें कि आप करना क्या चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तुला और वृश्चिक राशि, अब आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, देखिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कहीं कोई गलत काम हमसे ना हो जाए। इसके लिए हम आपको बताते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें, ध्यान से नोट कीजिए, उन्हें अपने जीवन में उतारिए, असर देखिए उनका। तुला राशि वालों की धन की स्थिति संतोषजनक है क्योंकि हालात मददगार हैं, इसी वजह से अपने काम को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका मिल रहा है। क्या करना चाहिए समय में, अपनी बचत को बहुत ध्यानपूर्वक संभालना होगा, उसमें अगर आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को और जोड़ देंगे तो आपके लिए एक स्थिरता का माहौल भी बन जाएगा। क्या ना करें समय में, हर दिन और हर परिस्थिति में बदलाव करने का ना सोचते चले जाएं, अपने विचारों को बहुत प्रबल बनाकर भी अपने लिए रुकावटें ना खड़ी करें, जिंदगी में धैर्य तो आपको बनाना ही पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज को लेकर बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और आपको ये भी लग रहा है कि काम का दबाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। क्या करना चाहिए समय में, अपनी मेहनत पर भरोसा जरूर करें, कभी कम कभी ज्यादा अपने काम से जरूर जुड़े रहें, जिंदगी का सुख और सुकून इसी बात में छुपा हुआ है। क्या ना करें समय में, पैसे की स्थिति ठीक है पर पैसे को कहीं फंसाए नहीं, इस वजह से भी आप कोई खतरा मोल ना लें। समस्या पैसे की स्थिति में नहीं है, पैसा कहीं गलत इन्वेस्ट ना हो जाए उसका खतरा जरूर है, उसका ख्याल रखिए, सब कुछ ठीक रहेगा। आगे धनु और मकर राशि अब आपके लिए देखते हैं कि कैसे आपको प्लान करना है आज के दिन को, आज के दिन में क्या क्या संभावनाएं हैं, ऐसा क्या है जो आप करें तो आज का दिन एक शानदार दिन आपके लिए साबित हो। हो सकता है आप कर सकते हैं अगर आप ध्यान से सुने टिप्स जो आपको बताए जा रहे हैं।
धनु राशि वालों के लिए भाग्यशाली स्थिति है क्योंकि आपका ज्ञान और आपकी अच्छाई हर कदम पर आपकी मदद करना चाह रही है। इसी वजह से आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपके अंदर एक भरोसा जगना चाहिए। अपनी ही मेहनत पर सवाल खड़े करते चले जाने से तो आपको बचना ही होगा। क्या ना करें समय में, कामकाज में भी और रिश्तों में भी व्यर्थ में कमियां ना निकालते चले जाएं। ऐसा करते हुए आप अपने घर परिवार के सुख को भी कहीं कम ना कर दें। मकर राशि वालों को यह समझना होगा कि घर परिवार की परेशानियों की वजह से आपको हर चीज पहाड़ की तरह लग रही है। इस वजह से ये समय कुछ कठिन ही होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से मिलते हुए विश्वास के चलते आप खुद को और नियंत्रित करने की कोशिश कर लें, थोड़ा और नियमित हो जाएं ताकि आपकी मेहनत का फल आपको मिल सके। क्या ना करें समय में? हर छोटी बात का असर अपने पारिवारिक रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। हर चीज को परेशानी की नजर से देखते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। कुंभ और मीन राशि अब आपकी करते हैं बात। तो बात चल रही है 10 जुलाई की, तो सोमवार का दिन है भाई और इस दिन कोशिश यही होनी चाहिए क्योंकि सप्ताह का पहला दिन है, इसलिए ये दिन कुछ अच्छा हो, कुछ नया हो, पिछले सप्ताह से अलग हो। हो सकता है, ध्यान से सुनिए कैसे। कुंभ राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता प्रबल है और अपनी कोशिशों से आप उसे आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं। यही इस समय की अच्छाई है आपके लिए बनी हुई। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में स्थिरता है पर आपका मन कुछ और करने के लिए भटक रहा है। इसी भटकाव से बचना भी होगा और अपने हालात का सही रूप से आंकलन भी करना होगा। क्या ना करें समय में? रोजमर्रा की दिक्कतों का असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। कामकाज में बढ़ते हुए दबाव की वजह से आप कहीं कोई गलती ना कर जाएं। मीन राशि वालों को सेहत का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। आपके अपनों की भी कुछ जरूरतें हो सकती हैं जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति ठीक है पर अपने मन में बढ़ती हुई घबराहट को दूर करने की जरूरत है। मन में परेशानियां बनाने से तो आपको बचना होगा। क्या ना करें समय में? अपने रिश्तों को लाभ या हानि की नजर से ना देखते चले जाएं और ऐसा करके रिश्तों के प्रति अपना नजरिया बिगाड़ ना लें। जिंदगी में अपनों के लिए खुशियां बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनों के लिए खुशियां बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, ये करने की कोशिश कीजिए आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते चलते वही बात आपसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि हालात एक जैसे ही होते हैं, उन हालात में आप कैसे जिंदगी को लेते हैं, कैसे जिंदगी को जीते हैं, इससे तय होता है कि आप जिंदगी में कितने सफल बन पाते हैं। और आप सही ढंग से अपने आने वाले कल की, अपने आने वाले पलों की प्लानिंग कर पाएं, इसके लिए हम मुलाकात का ये सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन नोट कर लीजिए ईमेल आईडी aapketare@aajtak.com जिस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल आज की मुलाकात यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात आपके तारे के साथ। नमस्कार। नमस्कार।